नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष योर सीएससी गाइडर पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमडीयू के एडमिट कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके एमडीयू के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, लेकिन एमडीयू कौन से कोर्स के आए हैं और किस तरह से हमें एडमिट कार्ड निकालना है, हम कैसे चेक कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड, पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो कहीं भी आपको स्किप नहीं करनी है और चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एमडीयू की साइट सर्च करनी है या फिर आप डायरेक्टली एमडीयू एडमिट कार्ड भी सर्च कर सकते हो। एमडीयू एडमिट कार्ड सर्च करने के बाद आप देखिए, अगर आप एमडीयू की साइट खोलते हो तो आप ऐसे पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन मिलेगा। एग्जामिनेशन में एडमिट कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन होगा, आप एडमिट कार्ड पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। एडमिट कार्ड डायरेक्टली एडमिट कार्ड सर्च करोगे आप एमडीयू एडमिट कार्ड तो भी आप इसी पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि एडमिट कार्ड फॉर रीअपीयर और इम्प्रूवमेंट ऑफ एमए एमकॉम एमएससी ऑनर्स एक्सेट्रा कोर्सेज सेमेस्टर स्कीम फॉर फरवरी 2022 एग्जाम। मतलब भाई यहाँ पे एमए एमकॉम एमएससी और ऑनर्स एक्सेट्रा के आपके रीअपीयर के और इम्प्रूवमेंट के आपके एडमिट कार्ड आए हैं। यहाँ पे आपके फुल के रेगुलर के आपके एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं, यहाँ पे सभी कोर्सेज के रीअपीयर के और इम्प्रूवमेंट के एडमिट कार्ड आए हैं। आगे भी देख सकते हो आप, एडमिट कार्ड फॉर रीअपीयर इम्प्रूवमेंट ऑफ लो कोर्सेज, एडमिट कार्ड रीअपीयर इम्प्रूवमेंट फॉर फार्मेसी कोर्सेज, एडमिट कार्ड रीअपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट एमसीए ऑल मैनेजमेंट कोर्सेज, एडमिट कार्ड रीअपीयर इम्प्रूवमेंट फॉर एमएड कोर्सेज, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड रीअपीयर इम्प्रूवमेंट बीटेक, एडमिट कार्ड रीअपीयर इम्प्रूवमेंट बीए बीकॉम बीएससी पास। सारे जितने भी कोर्सेज हैं आपके, जितने भी अभी एडमिट कार्ड आए हैं आपके, सभी रीअपीयर के और इम्प्रूवमेंट के एडमिट कार्ड आए हैं। रेगुलर कोर्सेज के भी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं आपके, वो जैसे ही आते हैं उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। देखिए सिंपल सा है, आप मान लीजिए आपको डाउनलोड करना है एमए एमकॉम एमएससी कोई भी कोर्स का, आपको रीअपीयर का और इम्प्रूवमेंट का आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड। आपको सिंपली यहां पे क्लिक करना है इस लिंक पे। लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे यहां पे आपसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर सिंपली आपको यहां पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके जैसे आप सर्च पर क्लिक करोगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो समझ आई होगी, आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे यहां पे कि किस कोर्सेज के किस तरह के आपके एडमिट कार्ड फिलहाल आए हुए हैं। और एडमिट कार्ड अगर हम बात करें रेगुलर एडमिट कार्ड की तो वो भी जल्दी ही आपके आने वाले हैं। दोस्तों जैसे ही आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।